दोस्तों DSSSB की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट के साथ साथ लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, नया विज्ञापन जारी किया गया है। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 19 अक्टूबर 2022 मतलब कल से शुरू हो जाएगा और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 18 नवम्बर 2022। तो इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पदों का विवरण, कैटेगरी के अकॉर्डिंग पदों का विवरण, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एप्लीकेशन फीस वगैरह, कहां कैसे जाके आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एंटिटी टीचर और उसी के साथ साथ TGT टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। तो सबसे पहले पदों का विवरण देखें, उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी। ये देखिए दोस्तों, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/22 14/10/2022 इस पे डेट डली हुई है, पर ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कल 17/10/2022 को ही दिखाई दिया है। जैसे मैंने बताया 19/10/2022 से लेके और 18/11/2022 तक आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब पदों का विवरण देखिए, लाइब्रेरियन ग्रुप बी की पोस्ट ग्रेड पे 4400 है, EWS की 13, अनरिजर्व 25, OBC 32, SC 27, ST 3, कुल 100 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। PWD की 4 वैकेंसियां भी इसमें शामिल है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की सिर्फ नाम मात्र की 4 वैकेंसियां ही आई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और TGT कंप्यूटर साइंस के कुल 106 पद हैं, EWS के 29, अनरिजर्व 37, OBC 19, SC 19 और ST के 9 और PWD के 10 पद इसमें शामिल हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर के कुल 201 पद हैं, ग्रेड पे 4400 हैं, इनका भी EWS के 17, अनरिजर्व के 52, OBC के 82, SC के 32, ST के 10, 18 और PWD के 3 पद इसमें शामिल है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर PET टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट आ गई है, सबसे ज्यादा पद इसी के हैं 221। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो EWS के 51, अनरिजर्व के 89, OBC के 31, SC के 38, ST के 12 पद इसमें शामिल है। तो ये पदों का विवरण है। दोस्तों इसके अलावा लगभग सभी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं TGT के जिनकी रिक्रूटमेंट आनी है, सिर्फ डोमेस्टिक साइंस टीचर और कंप्यूटर साइंस की ही इसमें वैकेंसियां शामिल है। तो उनकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के लास्ट में मतलब दिवाली के बाद हमें देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट जरूर से जरूर आएगी, ये पक्का है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। नोटिफिकेशन एक एक करके ही आएंगे, इकट्ठे तो सभी नहीं जारी किए जाएंगे, कुछ रिक्रूटमेंट अब आ गई है, कुछ और आ जाएंगी। तो इनके लिए 18/11/2022 11:59 तक आप DSSSBonline.nic.in पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अब सभी की एलिजिबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए लाइब्रेरियन की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट है, कुल 100 पद है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ। असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री आपने कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। बैचलर्स डिग्री आपने लाइब्रेरी साइंस में कर रखी हो जो कि इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का, और 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ आपसे मांगा गया है। पे स्केल है लेवल 7, 44,900 से 1,42,400, प्री रिवाइज्ड है 93,000 से 34,800, ग्रेड पे है 4400 का, ग्रुप भी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, अपर एज लिमिट 30 साल यहाँ निर्धारित की गई है। गेस्ट और जो कॉन्ट्रेक्टर टीचर हैं उन्हें अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट यहाँ मिल जाएगी, सभी उनके वर्किंग डेज का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, 4 वैकेंसियां हैं, 10+2 आपने कर रखी हो कम से कम 45% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कम से कम 2 साल का आपके पास होना चाहिए, या बीएड नर्सरी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने कर रखी हो। इसके बाद एज लिमिट देखिए, एज लिमिट 30 साल ही है, पे लेवल 6, 35,400 से 1,12,400, ग्रेड पे है 4200 का,
इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के कुल 106 पद हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब बीसीए आपने कर रखा हो, या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो, या फिर बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखी हो, और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी हो, ए लेवल का कोर्स कर रखा हो डोएक से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शंस हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए। जहां तक इनके लिए एज लिमिट की बात है, अपर एज लिमिट 30 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, और जो गेस्ट और कॉन्टैक्ट टीचर हैं उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट मिल सकती है। सभी डिपेंड करता है उन्हें कितने वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है। इसके बाद अगली वैकेंसी है डोमेस्टिक साइंस टीचर की। कुल 201 पद हैं। इनके लिए बैचलर्स डिग्री डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और उसी के साथ साथ बीएड आपने डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट कर रखी हो। डिजायरेबल है मस्ट हैव हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। इनके लिए भी अपर एज लिमिट 30 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट मिल जाएगी। गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को भी एज पर रूल रेगुलेशन अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की 221 वैकेंसियां हैं। इनके लिए ग्रेजुएशन विद बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड आपने कर रखी हो, या इसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास हो। अपर एज लिमिट 30 साल इनके लिए भी निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, इन सभी में अपर एज लिमिट 30 साल निर्धारित की गई है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में क्या छूट दी जाएगी वो नीचे इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे। अप्लाई आपको करना होगा DSSBonline.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। एप्लीकेशन फीस वगैरह देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये यहाँ निर्धारित की गई है। ये देखिए दोस्तों, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो वुमेन कैंडिडेट्स SC ST और PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, मतलब उनकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है। 1 टीयर टीचिंग पोस्ट का एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और ये जो टॉपिक है इनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस के बारे में अलग से कोई वीडियो हम ले आएंगे, उसमें बात करेंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, ये ध्यान रखिएगा। और पासिंग मार्क्स भी निर्धारित किए गए हैं। जो रिटर्न एग्जाम आपका होगा उसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके पासिंग मार्क्स होने भी आवश्यक हैं। जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST PHPWD के लिए 30%, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5% की छूट मिल जाएगी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये देखिए, अपर एज लिमिट में छूट की नहीं मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD SC ST को 15 साल, PWD OBC को अपर एज लिमिट में 13 साल, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी और सी को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आवेदन करने से पहले ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी मेन मेन जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ एक अपडेट और रह गई है, वो और देख लीजिए, जो कि OBC कैटेगरी से जुड़ी हुई है। ये देखिए दोस्तों, OBC सर्टिफिकेट दिल्ली इश्यूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCTD ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ ए ओल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिली फ्रॉम GNCTD ऑफ दिल्ली। आगे देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी ड्यूली नोटिफाइड एज अ ओबीसी बाय GNCTD ऑफ दिल्ली। दिस सर्टिफिकेट शुड हैव मैंडेटरी बीन इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली टू ए फैमिली मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन हु हैड बीन रेसिडिंग इन दिल्ली बिफोर 8/9/1993। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ओबीसी दिल्ली ही यहाँ वैलिड होगा। कुल मिला के बात ऐसी है, तो देख लीजिए, अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो ही फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आवेदन करें, नहीं तो फिर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में इन पदों के लिए आवेदन करें। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।